आई थिंक सबसे पहले तो मैं प्रिया योडा अनिल सर को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी दैट यू नो दे हैड द विजन टू स्टार्ट टाको. देखिए आइडिया ये है कि ये जो हमारा प्लैनेट है ये हमारा अकेले का नहीं है, ये हम बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ के साथ शेयर करते हैं और हमारी आदतों के वजह से हम उनसे उनका घर छीन रहे हैं. तो छोटी सी एक चीज़ जो हम सब कर सकते हैं वो ये है कि हम हमारे एनिमल्स को सपोर्ट करें, उनकी रक्षा करें, जितना हो सके उनका ध्यान रखें, ख्याल रखें. और आई थिंक इसी आइडियोलॉजी के साथ टाको योडा शुरू हुआ था, आई थिंक इसी आइडियोलॉजी के साथ क्लाइमेट वॉरियर भी शुरू हुआ था. इनफैक्ट मैंने लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद देखा जो ब्रिलियंट काम योडा कर रहा था, और उन्होंने मुंबई में एक बहुत ही सक्सेसफुल फैसिलिटी शुरू की है. वन ऑफ माय पपीज़ मैंने योडा से अडॉप्ट किया है. और मुझे याद है जब मेरे बेबी का नाम ब्रूनो है, जब मैंने ब्रूनो की फ़ोटोग्राफ देखी थी योडा के इंस्टाग्राम पेज पे, तब मैं जानती थी कि ये मेरे घर आ रहा है. और उसने ऑनेस्टली मेरी ज़िंदगी बदल दी. और ऐसे अनेकों इतने सारे स्ट्रेज हैं या डॉग्स फॉर अडॉप्शन हैं जिनको योडा ने सपोर्ट किया है, जिनको योडा ने घर दिलाया है. मेरी पहली एसोसिएशन योडा के साथ तब थी जब ये एक एक्टिविटी करते हैं जिसका नाम है नामकरण. जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो एनिमल लवर्स हैं, वो उनके नाम से एक डॉग को अडॉप्ट करवाते, जो मुझे लगा एक इतना जीनियस आइडिया है और इतना सक्सेसफुल आइडिया है. अभी भी अगर मैं कोई एनिमल को डिस्ट्रेस में देखती हूँ या किसी एनिमल को अडॉप्शन की ज़रूरत है या रेस्क्यू की ज़रूरत है, मैं प्रिया को फ़ोन करती हूँ. उन्होंने इतना इनक्रेडिबल काम किया है. तो आई थिंक इसी इंटेंट के साथ हम यहाँ आए हैं कि इतनी गर्मी में, आप सोचिए हम सभी गर्मी झेल नहीं पा रहे हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं रोड पे वो कैसे झेल रहे होंगे, ना उनके पास पानी है, ना उनके पास छत है, उनके पास कभी कभार बेसिक खाना भी नहीं होता. हम हमारे तरफ से यही कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी जितनी भी ज़रूरतें हो सके उन ज़रूरतों को पूरा करें. और मैं योडा टाको और प्रिया को बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगी कि हमने कोलैबोरेशन किया. हमारा एम है कि हम 500 वाटर बोल्स अक्रॉस दी एरिया डाले, और इस सक्सेसफुल एक्टिविटी के बाद ऐसी अनेकों एक्टिविटीज़ करें जिससे जितने भी लोग इंस्पायर हो सके हो पाए. जी मैं तो रुकी हुई हूँ. मुझे लगता है एनिमल वेलफेयर को इतना ज़्यादा इग्नोर किया जाता है. आई रियली होप कि हमारे आज ये इंटरव्यूज़ देख के कोई फिल्म मेकर एक अच्छी कहानी लाए और हम इस पर कोई फिल्म बना पाए. बिकॉज इन ऑल ऑनेस्टी जो सुकून और खुशी एनिमल्स आपके लाइफ में लाते हैं, वो अनकंडीशनल लव आपको कोई नहीं दे सकता. एक स्ट्रेसफुल दिन के बाद जब मैं घर जाती हूँ, मेरे दो पपीज़ इतना प्यार देते हैं, ऐसे भागते हुए आते हैं, उनको नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, वो सिर्फ आपका प्यार चाहते हैं. और यही प्यार हमारी जिम्मेदारी है कि हम बाकी एनिमल्स तक भी पहुँचाएं जिनके पास शायद एक घर ना हो. जितना हो सके, मैं यही कहती हूँ, जितना हो सके अडॉप्ट कीजिए. यू नो, जितना हो सके, जैसा प्रिया ने कहा, जैसे आपके दिल में एम्पथी आ जाएगी ना, जैसे आपके दिल में वो प्यार आ जाएगा कि अगर आप एक स्ट्रे डॉग या एक स्ट्रे कैट या यू नो किसी की भी हेल्प एक हैबिट बना दे रोज़ करने की, तो आप समझ नहीं सकते कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा दुनिया में. आई एक्चुअली रिमेंबर दिस इंसिडेंट, और मैंने प्रिया को ये वीडियो भेजी थी बिकॉज वो मेरी इन मैनी मैनी वेज वो मेरी इस कॉज के लिए एक वॉरियर है. तो जब भी कुछ होता है मैं तुरंत इनको वीडियो भेजती हूँ. अब मुझे पता नहीं वो हिंदुस्तान के कौन से पार्ट की वीडियो थी, लेकिन मैं बहुत बहुत डिस्टर्ब हुई थी उससे, जहाँ पे एक हॉर्स था, एक घोड़ा था, जिसके ऊपर कम से कम 8 लोग बैठे हुए थे और पटाखे जला रहे थे, और वो परेशान था. और आप देख सकते हैं कि वो परेशान था, उसके ऊपर खड़े होके नाच रहे थे, कूद रहे थे. अभी तक वो वीडियो मुझे हॉन्ट करती है. और हमने बहुत कोशिश की कि हम वो ट्रैक डाउन कर पाए, पर हम नहीं कर पाए. बट मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ क्रूअल्टी बंद कीजिए. आप कैसे कर सकते हैं, यू नो, जब आप ही सोचिए, वो एक जान है, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी चीज़ें महसूस होती है, उन्हें गर्मी लगती है, उन्हें सर्दी लगती है, उन्हें भूख लगती है, उन्हें प्यास लगती है, वो एक जान है. हम सालों
सोशल कंडीशनिंग ऐसी रही है कि जब हम किसी इंसान को भी जानवर बुलाते हैं, हम एक बहुत गंदे वे में बुलाते हैं, वो गलत है। जानवर भगवान का रूप है, वो सबसे प्योर चीज़ है। तो जानवर एक गाली नहीं, जानवर एक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला शब्द होना चाहिए। तो हमें हमारी थिंकिंग बदलनी ही होगी, हमें हमारे जानवरों को प्यार करना ही होगा। ना रियली होप कि जितने भी पॉलिसीज़ हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए, एंड आई थिंक वी ऑल आर योर फॉर दैट। ये तो यू नो वी वांट टू मेक अ मूवमेंट, ये एक पूरी देश की एक बदलाव लाना है हमको। यू नो टाको एक योडा से शुरू हुई थी, लेकिन टाको एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है जिसमें हम डोमेस्टिक एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन सब उसके अंडर लाएंगे। बेस्ट इन क्लास, जो दुनिया में बेस्ट पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, जो बेस्ट पॉसिबल केयर मिल सकता है, इनके लिए हम करेंगे, हर स्टेट में करेंगे। और हम इनवाइट करते हैं दूसरे कंपनीज़ को, दूसरे लोग को, जो भी ज्वाइन करना चाहता है। यू नो इसको इतना बड़ा मूवमेंट बनाते कि एक इंडिया एक वो देश रहे, जो महात्मा गांधी का एक सपना था। वो बोलते थे कि द मोरल प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन कैन बी जज्ड बाय इट्स ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। एंड अगर हम सब जुड़ के ये एक देश बनाए जहाँ सब यू नो लोगों के अलावा एनवायरनमेंट, एनिमल्स, सबका देखभाल हुआ। यू नो शुरू से हम एनवायरनमेंट का पूजा करते हैं, शुरू से हम यू नो दिस इज समथिंग दैट्स देयर इन आवर इंडियन कल्चर टू लुक आफ्टर एनिमल्स, टू बी पीसफुल। एंड इफ वी कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ यूनिवर्स इन इंडिया एंड हैव अदर कंट्रीज रेप्लिकेट अस, व्हाई नॉट? सो लेट्स गेट टुगेदर, वी इन्वाइट एवरीबॉडी हु पॉसिबली कैन टू कम एंड जॉइन अस इन दिस। No, I can't. I would like to, but I can't do it. But I mean, I've spoken about this. I have four more films releasing in the next 10 months, whether it's this year or early next year. And the umbrella is very, very wide. So I'm very excited. There's a lot of me that you guys are going to watch. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. So yes. Okay. Hi. Yes, yes, thank you so much.